नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ एकदम सीक्रेट तरीके से, जिसे हलवाई लोग बनाते हैं एकदम परफेक्ट दही, वो भी मलाईदार। हम जब दही बनाते तो हमारा जो दही पानी हो जाता है वो जमता नहीं है, वो गाढ़ा भी बनता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 घंटे के अंदर ही दही कैसे जमाया जाता है एकदम मलाईदार, एकदम गाढ़ा रिजल्ट तो देख रहे हो ना। देखते ही आपको समझ में आ ही गया होगा तो यार बहुत ही बढ़िया दही जमा के रखा हुआ है। तो चलो फिर ज़्यादा बातें करते नहीं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर जितना दूध लेना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, दूध नॉर्मल वाला लेना है, जो हमारे घर में आता है वही दूध लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ फैट वाला दूध है और पत्ता वाला दूध है, आप इसमें कौन सा भी दूध लेना है एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे ही आपकी मलाईदार दही घर पे जम जाएगी। अब यहाँ पे बहुत ही सीक्रेट तरीका है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच जितना कॉर्न फ्लोर लेना है, 1 चम्मच मैंने पहले ही ले लिया था, दूध के अंदर डाल देना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमने 1.5 चम्मच जितना दूध की पाउडर ले लेनी है इसी तरह से। ये हलवाई लोग होते ना तो ये ट्रिक यूज करते, तभी उनका जो दही है ना एकदम गाढ़ा बन जाता है और एकदम मलाईदार बन जाता है। अभी इन सारी सामग्री को मैं अच्छी तरह से चला लेना है, क्योंकि जो गुठलियाँ हमें यहाँ पे चाहिए नहीं। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से चला लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी भी गुठली नहीं है इस तरीके से। अभी इस तपेले को हमें क्या करना है, गैस पे चढ़ा देते हैं। अभी यहाँ पे गैस ऑन कर लिया है दोस्तों। तो अभी इसे दूध को हमें क्या करना है, अच्छी तरह से एक उबाल अच्छी तरह से करना है। एक बात का अपने ध्यान देना है, दूध को ज़्यादा गाढ़ा करना नहीं है और ज़्यादा उबालना भी नहीं। सिर्फ एक उबाल आ गई तो गैस हमें स्टेज पे बंद कर देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो तो धीरे धीरे करके हमारा जो दूध ऊपर आ रहा है और झाग दिख रही है एकदम परफेक्ट। इसी तरीके से इसे मैंने और 1 मिनट के लिए चला लेना है। जैसे जैसे मैं चला रही हूँ जैसे कि ये ऊपर आ रहा है दूध, इसकी झाग देख सकते हो, ये अच्छी तरह से उबल के हो चुका है, देख रहे हो आ गया है। अभी गैस बंद कर देते हैं स्टेज पे और इसे साइड में निकाल लेते हैं इस तपेले को हम। अभी यहाँ पर दूध तो अच्छी तरह से उबल गया है। अभी हमें इस दूध को क्या करना है, पूरी तरीके से ठंडा करना है, यानी ज़्यादा भी ठंडा करना है, सिर्फ यानी सिर्फ गुनगुना करना है। वो मैं आपको बताऊंगी कैसे गुनगुना करना है दोस्तों। हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो गए तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। अभी दूध को हमें अच्छी तरह से चला लेना और गुनगुना कर लेना है। अभी यहाँ पर जो दूध हमने गर्म करके रखा था अभी वो गुनगुना हो चुका है। अभी एक बार उंगली डाल के देख देते, देख रहे हो इस तरीके से हल्का सा ही हमें गर्म लगना चाहिए, उंगली को ज़्यादा नहीं, देख रहे हो इस तरीके से। आप जब घर पे दही बनाओगे तो आपको खुद को फीलिंग होगी कि दूध कितना गर्म और कितना ठंडा चाहिए, जितने हमारी उंगली जानी चाहिए बस उसी तरह से हमें ये गुनगुना चाहिए दूध। अभी यहाँ पर हमने 1 चम्मच जितना फ्रेश वाला दही लेना है दोस्तों। ज़्यादा दिन का दही नहीं लेना है, खट्टा वाला। जब आप ज़्यादा दिन का दही ले लोगे तो जो हमारी दही बराबर बनेगी नहीं और खाने में टेस्ट भी नहीं आएगी, तो मैं सजेस्ट करूँगी फ्रेश वाला ही दही लेना है। तो 1 चम्मच लिया है, अभी इसे हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देना है इस तरीके से, देख रहे हो। अभी यहाँ पर हमने पैचलर से इसे अच्छी तरह से चला लेना है, यानी अच्छी तरह से दही घुल जाएगी। आप देख सकते हो बहुत ही पतला दूध था, एकदम झाग आ रही है। जो हलवाई लोग होते हैं, दुकान वाले होते हैं ना भैया, इसी तरीके से दही जमाते हैं दोस्तों। एक बार इस तरीके से आप दही जमा कर देखो, जो आपकी दही बिगड़ती होगी तो इस तरीके से बनाओगे तो थोड़ी भी बिगड़ेगी नहीं, इसमें लगेगी नहीं कि हमने घर पे दही जमा है, इसलिए दुकान से लेके आए हैं। अभी से 1 मिनट के लिए चला लेती, क्योंकि दही जो डाले वो अच्छी तरह से दूध के साथ घुल जाना चाहिए। अभी इसे मैं 2 मिनट अच्छी तरह से कंटिन्यू मैंने चला लिया, क्योंकि दही और दूध अच्छी तरह से घुल चुके हैं। अभी हम लोग ट्रे ले लेते हैं। अभी यहाँ पे एक मोटा वाला टॉवेल ले लेना है, देखो इस तरीके से। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 घंटे के अंदर में दही जमाना बताऊंगी, क्योंकि जितना गर्म होगा उतनी दही हमारी झट से जम जाती। अभी यहाँ पे एक ट्रे ले लेती हूँ और जो दूध हमने किया था वो इसके अंदर हम डाल देते इस तरीके से, देख रहे हो। तो सारा दूध हम इसमें ट्रे में डाल देते हैं। अभी यहाँ पे ट्रे में मैंने सारा दूध डाल दिया, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे मैं चॉपर ले लूंगी, क्योंकि हवा यहाँ पे किसी के साथ जाने नहीं चाहिए इस तरीके से बंद। और यहाँ पे रुमाल ले लेना है, इसे पूरी तरीके से मैं इसे ढक लेना है इस तरीके से, यानी एकदम अच्छी तरह से गर्म जगह रहेगी तो दूध हमारा, अरे सॉरी, दही हमारा अच्छी तरह से जम जाएगा। इसे अभी 2 घंटे के लिए इसे ही छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर 2 घंटा हो चुका है, अभी हम लोग दही चेक कर लेते हैं दही जमा क्या नहीं। अभी टॉवल खोल देना इस तरीके से, देख रहे हो। वाह, बहुत ही बड़ी या तरीके से हमारा जो दही अच्छी तरह से जमकर हो चुका है। मैं आपको पास से लेके बता देती हूँ, देख रहे हो एकदम हलवाई के जैसे ही हो गया है। अभी हम इसे क्या करके टॉवल निकाल लेती हूँ ये वाला नैपकिन, अभी इसे मैं 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते, क्योंकि एकदम परफेक्ट अच्छी तरह से और सेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे 1/2 घंटा हो चुका है, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, मैं आपको बता रही हूँ। देखो
कितना बढ़िया दही जम गया है, ना ही कुछ पानी ना ही कुछ नहीं, ऐसे ही बनाते ना हलवाई लोग। देख रहे हो रिजल्ट आपके सामने है, उल्टा भी करके बता दे तू, है ना पूरा उल्टा किया है मैंने इस तरीके से, थोड़ा भी दही हमारा नहीं हुआ पीछे, देख रहे हो और एक बार, और पूरा घुमा लिया है मैंने। अभी आपको रिजल्ट तो मालूम हो ही गया है, अभी हम आपको कट करके भी बता देते हैं। देख रहे हो इजीली जो ये ऊपर की जो परत दिख रही है, ये पूरी मलाई है दोस्तों, मैं आपको कट करके बता देती हूँ इस तरीके से। अभी चमचा ले लेना है। वाव, देख रहे हो थोड़ा भी यहाँ पर पानी नहीं है कुछ नहीं, एकदम हमारा दही परफेक्ट केक के जैसे हो गया है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। देख रहे हो वाव रिजल्ट आपके सामने है, मैं आपको तोड़ के भी बता देती हूँ कितनी बढ़िया हमारी दही जमकर तैयार हो चुकी है, थोड़ा भी यानी थोड़ा भी पानी नहीं है। तो हाँ दोस्तों, आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगती तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है। चैनल पे नए होगे तो लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूल, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें दोस्तों। गीता कुकिंग वर्ल्ड को धन्यवाद।